डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, रिसर्चर, कॉरपोरेट कंसल्टेंट, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग लेखक और शिक्षक हैं। उनकी लेटेस्ट बुक बीइंग सुपरनेचुरल काफ़ी पॉपुलर हुई है। उन्होंने हजारों लोगों को ये विश्वास दिलाया कि अपने ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज करके कैसे एक हेल्दी बॉडी, माइंड और स्पिरिचुअल लाइफ जी जा सकती है। इस वीडियो में डॉक्टर जो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम 7-day चैलेंज लेकर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं कुछ बहुत ही सिंपल टेक्निक्स से। डॉक्टर जो कहते हैं, आप सबको मैं 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ और इन तीनों चीज़ों को आपको अगले 7 दिनों तक लगातार फॉलो करना है। आपको अपने अंदर बहुत ही अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट थिंग, जब हम लोग सुबह उठते हैं तो अपना फ़ोन चेक करते हैं और सोशल मीडिया का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप एक्सेट्रा में लग जाते हैं। ये हमारी एक आदत बन चुकी है और हम इससे अवेयर नहीं हैं। एक प्रोग्राम की तरह हम उठते हैं, ये सब चेक करते हैं, शावर लेते हैं, डेली रूटीन में लग जाते हैं और फिर काम के लिए निकल पड़ते हैं। कल से आपको ये सब नहीं करना है। आपको उठना है, आपको फ़ोन नहीं देखना है और आपको अपने आप से ये सवाल करना है कि आज कैसे मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप में बदलाव ला सकता हूँ। एक पेन और पेपर उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए कि आप कैसे बिहेव करते हैं और कैसे बिहेव करना चाहते हैं। इसको लिखना शुरू कर दीजिए और फिर लिखिए कि ऐसे कौन से थॉट्स या विचार हैं जो आप अपने दिमाग में रखना चाहते हैं और कैसे थॉट्स को निकाल देना चाहते हैं। फिर आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए, महसूस करिए जैसे आप बनना चाहते हैं। आपको जो भी गोल्स हैं उनको फील करिए और महसूस करिए जैसे आप वो पूरे हो गए हों। जब आपको वो फील ना हो जैसे आप बनना चाहते हो, तब तक कोशिश जारी रखिए, वहाँ से ना उठिए। आपका दिमाग आपसे कहेगा कि अब आपको चाय पीनी चाहिए। अब आपको अपने दिमाग से कहना है कि ये मेरा टाइम है, मेरे आने वाली लाइफ के लिए है। तो ये हो गई पहली चीज़ जो आपको करनी है। दूसरी चीज़ ये करनी है, जब आप रात में सोने जा रहे हो तब आपको ग्रेटिट्यूड या आभार व्यक्त करना है ऊपर वाले का। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आपको ये फील होता है कि आपको बहुत अच्छी लाइफ मिली है। ग्रेटिट्यूड का मेन पर्पस यही होता है कि आपको फील करवाना कि आप एक बहुत ही शानदार जिंदगी जी रहे हैं। 10 मिनट ये करिए, अच्छे से फील करके आपके साथ आज जो भी अच्छी चीज़ें हुई हैं और उससे पहले भी जो कुछ बहुत अच्छा हुआ हो आपकी लाइफ में, उससे ऊपर वाले का शुक्र करें और अच्छा फील करें। प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने बेड पर लेटते हैं तो या तो फ़ोन चेक करते हैं या जो कुछ भी उनके साथ बुरा हुआ है उसके बारे में सोचते रहते हैं। ये हमारी एक आदत बन चुकी है और इसी आदत को हमें तोड़ना है। सिर्फ 7 दिनों के लिए इसे भी ट्राई करिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तीसरी और आखिरी चीज़, जो भी आपको टाइम मिले आपको अपने आसपास की चीज़ों, स्पेशली नेचुरल सराउंडिंग्स पर ध्यान देना है। जो भी करना है, जैसे गार्डन में प्लांट्स को देखना, बर्ड्स, कोई भी नेचुरल चीज़ें, बस आपको अपने विचारों पर ध्यान देना है। जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए, बस उसे नोटिस करिए। इसे ही अवेयरनेस कहते हैं। इससे आपको अपनी अवेयरनेस पर अच्छा कंट्रोल होने लगेगा। ये तीनों चीज़ें अगले 7 दिनों तक करिए और आप फील करेंगे कि आपके लिए इस यूनिवर्स से अलग अलग दरवाजे खुलने शुरू हो गए हैं। ये डॉक्टर जो का चैलेंज है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।